हाँ जी स्टूडेंट्स दो वॉरल हमने पढ़ ली है लास्ट वीडियो में कैलिक्स एंड करोला ठीक है फोर वॉरल्स होती है फ्लावर के अंदर दो हमने पढ़ ली है कैलिक्स करोला और दो अभी रहती है एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम तो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विद द एंड्रोशियम एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड इट इज द ग्रुप ऑफ स्टेम्स बहुत सारी स्टेमन्स के ग्रुप को हम बोलते हैं एंड्रोशियम एक स्टेमन जो होता है इट इज मेड अप ऑफ एंथर एंड फिलामेंट दिस फिलामेंट इज़ अटैच विद द एंथर एट दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज नोन एज कनेक्टिव ठीक है ये फिलामेंट इस एंथर के साथ कनेक्टिव के साथ जुड़ा हुआ होता है ओके और ये आपको दिख रहा है एंथर क्या होता है बाईलॉब्ड ठीक तो uh, uh, है तो ये बाई थीकस स्टेमन का डायग्राम है तो कई बार क्या होते हैं हमारे स्टेमन के अंदर अनडेवलप्ड और स्ट्राइल स्टेमन भी प्रेजेंट होते हैं तो ऐसे फ्लावर को हम बोलते हैं स्टेमिनो जिसके अंदर स्ट्राइल एंड अनडेवलप्ड यानी कि जो स्टेमन फर्टाइल नहीं है जो डेवलप ही नहीं हुए ऐसे को हम बोलेंगे स्टेमिनोन ठीक है स्टेमिनोन फ्लावर बोल सकते हैं अब हमारे पास दो टर्म आती हैं यहाँ पर टर्म्स तो बहुत सारी आएंगी तो अभी लोब के बेसिस पे अगर एंथर के अंदर दो लोब है जैसे मैंने यहाँ डायग्राम बताया था आपको दो लोब प्रेजेंट है तो ऐसे एंथर को हम बोलते हैं बाईथिकस एंथर व्हेन द एंथर्स लोब आर प्रेजेंट देन द स्टेमन इज कॉल्ड बाइथिकस सेकेंड है हमारे पास मोनोथिकस नाम से ये मोनो यानी कि सिंगल जब इसमें सिंगल लोब प्रेजेंट होती है इसको हम okay? देखोगे चाइना रोज फ्लावर के अंदर मोनोथिकस स्टेमन मिलेंगे आपको फिर टाइप ऑफ स्टेम ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एंथर्स या नंबर ऑफ एंथर्स बोल सकते हैं कि एंथर्स an हैं कैसे प्रेजेंट है वो फ्रीली प्रेजेंट फ्री प्रेजेंट है या एक दूसरे के साथ ग्रुप में प्रेजेंट है तो इसके बेसिस पे जो अरेंजमेंट ऑफ एंथर है वो किस तरह का है तो बेसिकली अरेंजमेंट के ऊपर हम इसको डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले अरेंजमेंट है एपी ठीक है एपी कौन सा फ्लावर होता है ऐसा फ्लावर जिसके अंदर जो स्टेमन होते हैं वो पेटल्स के साथ जुड़े हुए होते हैं ठीक है वन द स्टेम्स अटैच विद द पेटल्स ऐसा आपको ब्रिंजल फ्लावर के अंदर देखने को मिल सकता है इस तरह का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा ये देखिए जो ये एंथर है ये देखिए, ये जो इसमें एंथर है ये अटैच है इस रेड कलर की पेटल के साथ तो इस सिचुएशन को हम बोलते हैं एपी पिटेलस ओके देन इसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म आती है दैट इज द एपी फाइलस तो एपीफाइलस में जब स्टेमन अटैच होंगे टैपल्स के साथ टैपल्स का एग्जाम्पल आपको बताया था मैंने लिली जिसमें सेपल एंड पेटल्स जो होते हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं होते दे आर नॉट डिस्टिंगट तो जैसे उसको हम पैरियंथ भी बोलते हैं तो लिली फ्लार है ये इसके अंदर क्या होते हैं जो ये एंथर है येलो कलर के ये अटैच है सेप्पल पेटल्स यानी कि एक पेरियंथ बना हुआ है इसमें अलग से हम नहीं बता सकते कि सैपल्स पेटल्स कहाँ हैं दोनों ही को मिला करके एक टर्म यहाँ पर बताई गई है टैपल्स तो ये एंथर जो है ये टैपल के साथ अरेंज है तो लिली के अंदर ऐसा होता है देन इसके बाद हमारे पास दूसरी तीसरी टर्म आती है पोली एंड्रेस पोली एंड्रेस का मतलब होता है जब बहुत सारे स्टेमन होते हैं फ्लावर में और वो फ्रीली अरेंज्ड होते हैं ठीक है जैसे लिली के अंदर था पीछे अभी मस्टर्ड के अंदर और जैसे ये देखो इस तरह के एंथर ठीक है ये जैसे फ्रीली अरेंज है ओके देन आप इसमें भी बता सकते हैं लिली के अंदर जो एंथर है ये फ्रीली प्रेजेंट है ओके एक दूसरे से फ्री है इसके बाद हमारे पास जो एंथर हैं ये आगे और भी टाइप के बता रखे हैं मोनो एडल्फर्स डाई ओके okay, तो सबसे पहले हमारे पास आता है मोनो एडल्फस जिसमें स्टेमन्स जो होते हैं स्टेमन्स मिल करके एक बंडल बनाते हैं एक बंडल के अंदर अरेंज होते हैं तो ऐसे को हम बोलते हैं ऐसे अरेंजमेंट को हम बोलते हैं मोनो एडल्फस ऐसा आपको चाइना रोज के अंदर देखने को मिलेगा ये चाइना रोज़ है चाइना रोज़ के अंदर ये एक ही बंडल बना हुआ है जहाँ पर बहुत सारे एंथर इकट्ठे प्रेजेंट है तो जहां पर स्टेमन एक बंडल के अंदर प्रेजेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं मोनो एडल्फस ठीक है देन उसके बाद हमारे पास सेकेंड टर्म आती है डाई एडल्फस डाई एडल्फस के अंदर आपको मिलेगा जब स्टेमन प्रेजेंट है जैसे एक तो बंडल में प्रेजेंट है इस तरह से और एक स्टेमन अलग से प्रेजेंट है जैसे आपने पी प्लांट देखा है पी प्लांट की फ्लावर में देखेंगे आप इस तरह से एक एंथर जो होता है ये वाला ये अलग से है एक और ये बंडल में है तो इस तरह से जो दो पार्ट बने हुए हैं ये एक इधर और एक ही ग्रुप में तो इस तरह का जो अरेंजमेंट है स्टेमन का उसको हम बोलते हैं डाई एडल्फस ओके देन इसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारी पोली एडल्फस पोली एडल्फस में क्या होता है बहुत सारे जैसे नाम से बहुत सारे एंथर होंगे बहुत सारे बंडल के अंदर अरेंज होंगे ये जैसे आपको यहाँ एग्जांपल किसी भी सिट्रस प्लांट के अंदर आपको मिल सकता है ये जैसे ये देखो ये ये ग्रुप बने हुए हैं बहुत सारे ये स्टेमन के बहुत सारे ग्रुप बने हुए हैं तो स्टेमन अगर बहुत सारे बंडल में प्रेजेंट है देन इट इज नोन एज पोली एडल्फस ओके तो ये हो गया हमारा एंथर और सॉरी एं, uh, स्टेमन एंड्रोशियम जिसको हम बोलते हैं एंड स्टेमन की अरेंजमेंट देन इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है इट इज द गाइनोशियम ठीक है गाइनोशियम क्या होता है इट इज द ग्रुप ऑफ कार्पल्स और पिस्टल्स ठीक है कार्पल जो हमारे पास है तीन पार्ट से बनी हुई थी स्टिग्मा स्टाइल ओवरी ठीक है तो ओवरी के अंदर क्या होता है ओवेरियन कैविटी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं लोक्यूल अभी तक आपने पढ़ा था ओव्यू ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है तो अभी हम थोड़ा सा और इसको डीप पढ़ेंगे ओवरी के अंदर डायरेक्ट नहीं होता ओव्यूल ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है लॉक्यूल एंड लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है ओव्यूल तो ओवरी जिसके अंदर एक लॉक्यूल प्रेजेंट है यूनी बोलते हैं ओवरी जिसके अंदर दो लॉक्यूल है बाईलर तीन है तो ट्राई चार है तो टेट्रा पेंटा ने देन मल्टी तो एक ओवरी के अंदर एक लॉक्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा लॉक्यूल भी हो सकते हैं ठीक है, है? यहाँ साइड बाय एग्जांपल लिखे हुए हैं यूनी में पी जैसे बाई में मस्टर्ड ट्राई में एस्पेरिगस टेट्रा में टेट्रा के अंदर ओसिमम पैंटाम के अंदर चाइना रोज एंड मल्टी के अंदर लेडी फिंगर देन इसके बाद लॉक्यूल्स के अंदर जो ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और uh, के अंदर ओव्यूल लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अटैच होते हैं ओव्यूल लॉक्यूल से विद दी हेल्प ऑफ प्लेसेंटा ठीक है प्लेसेंटा की हेल्प से ओव्यूल लॉक्यूल से अटैच होगा देन इसके बाद हमारे पास जो कार्पल है वो मोनो कार्पल भी हो सकती है जैसे कुछ फ्लावर के अंदर एक ही कार्पल होती है मोनो कार्पल बोलते हैं दो कार्पल है अगर दो आ, उसको हम बाई कार्पलरी बोलते हैं तीन है तो ट्राई तीन से ज़्यादा है तो पोली कार्पलरी बोलते हैं ठीक है और इसी तरह से जब बहुत सारी कैप कार्पल्स होते हैं लेकिन वो फ्री होती हैं एक दूसरे से ठीक है फ्री है मतलब हम उनको काउंट भी कर सकते हैं तो जैसे लॉटस एंड रोज के अंदर आपको ये देखने को मिलेगी और बाकी आपको एग्जाम्पल अगर मैं इसका बताऊं जो एपोकार्पस ओवरी है एपोकार्पस में ये देखिए आप ये जितने भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं दीज आर दी फ्री कार्पल्स आप इनको काउंट कर सकते हैं फ्री कार्पल्स ऐसा अरेंजमेंट आपको दिखेगा लॉटस एंड रोज के अंदर ठीक है एक एग्जाम्पल और जो अभी जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है दिस इज द डायग्राम ऑफ माइसीलिया तो ये एपोकार्पस होते हैं एपोकार्पस मतलब जिसमें कार्पल्स हैं और वो फ्री हैं ठीक है अब दूसरी इसी की अपोजिट टर्म होती है सिनकार्पस सिन कार्पस में क्या होता है जब कार्पल्स होती हैं बहुत सारी लेकिन वो आपस में फ्यूज होती है जुड़ी हुई होती है ऐसा आपको टोमेटो एंड मस्टर्ड फ्लावर के अंदर दिखाई देगा जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल दिखाऊँ यहाँ पर जो एग्जांपल दिया गया है पैपेवर का एग्ज़ाम्पल दिया गया है इसके अंदर देखो ये स्टिग्मा है और ये देखो इन सभी मतलब कार्पल की नीचे ओवरी फ्यूज है तो हम ये बता नहीं पाएंगे कि कितनी कितनी कार्पल्स है इसके अंदर तो कार्पल्स होती हैं बट वो फ्यूज होती हैं इस तरह की फ्लावर को हम बोलते हैं सिन कार्पल्स ठीक है तो अभी हो गया हमारा देन इसके बाद हमारे पास जैसे हमने अरेंजमेंट हम पढ़ते हुए आए हैं सैपल्स पेटल्स का, का, सैपल, का अरेंजमेंट देन स्टेमन का अरेंजमेंट अब हम जो अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं एट हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं ओव्यूल्स का इसको हम बोलते हैं प्लेसेंटेशन अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स विद इन द ओवरी ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स और वो किस तरह से अरेंज होते हैं तो ये हमें अभी पढ़ना है और हमें पता है ओव्यूल्स जो ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं डायरेक्ट नहीं होते ओव्यूल लॉक्यूल के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अटैच होते हैं लॉक्यूल के साथ विद द हेल्प ऑफ प्लेसेंटा तो इसको हम इसीलिए बोलते हैं प्लेसेंटेशन तो ओव्यूल्स की जो अरेंजमेंट है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कितने तरह से है ये देखो ओव्यूल्स आपको पता है कन्वर्ट होकर के सीड बनाती है और ओवरी कन्वर्ट होकर के फ्रूट बनाती है तो अभी हम प्लेसेंटेशन पढ़ने वाले हैं तो इसमें आप क्या पढ़ेंगे सबसे पहले टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन में सबसे पहले आती है प्लेसेंटेशन हमारे पास मार्जिनल मार्जिनल के अंदर आपको मार्जिन नाम से ही समझ में आ रहा होगा कि मार्जिन के ऊपर ओव्यूल्स की अरेंजमेंट ठीक है इन दिस प्लेसेंटा प्लेसेंटेशन द प्लेसेंटा द्लेसेंटा फॉर्मर रिच अलोंग द वेंट्रल साइड ऑफ द ओवरी एंड ओव्यूल आर बोर्न ऑन दिस तो जो प्लेसेंटा है वो एक तरफ रिच बना देगा मार्जिन बना देगा जिसके ऊपर ओव्यूल अरेंज होंगे ओव्यूल अरेंज होंगे ओव्यूल मीन्स जो बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे सीड के अंदर ऐसा आपने पी प्लांट के अंदर देखा होगा पी जैसे जब भी हम मटर छीलते हैं तो उसके अंदर हमें सीड्स दिखाई देते हैं ये सीड्स कैसे बने है? जो जितने भी ओव्यूल्स होंगे प्लांट की ओवरी के अंदर वो ओव्यूल्स कन्वर्ट हो गए सीड में तो अगर सीड का अरेंजमेंट इस तरह से है नाम से ही समझ लो आप इसको मार्जिनल मार्जिन पे अगर ओव्यूल्स प्रेजेंट है देन दे आर नोन एज मार्जिनल प्लेसेंटेशन देन इसके बाद हमारे पास आता है कौन सा एग्जाइल प्रेजेंटेशन एग्जाइल प्रेजेंटेशन के अंदर आप देख पा रहे हैं इस तरह से इसमें क्या होता है एक्जेल पोजीशन पे प्रेजेंट होता है प्लेसेंटा एंड द ओव्यूल्स आर अटैच टू इट इन मल्टी लॉक्युलर ओवरी ये मल्टी लॉक्युलर ओवरी है इसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है ये देखें ठीक है ये मल्टी लॉकुलर ओवरी जिसके अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट है ऐसा आपको देखने को मिलेगा टोमेटो के अंदर लेमन के अंदर ये देखें इस तरह का अरेंजमेंट ठीक है इसी तरह का अरेंजमेंट है ये इसको बोलते हैं टोमेटो के अंदर एग्जाइल प्लेसेंटेशन होती है देन इसके बाद हमारे पास आता है पेराइटल प्लेसेंटेशन पेराइटल प्लेसेंटेशन में क्या होता है जब ये ओव्यूल्स आपको कहाँ दिख रहे हैं ओव, ओवरी की इनर वॉल की तरफ ये ओवरी है ओवरी के अंदर वाली वॉल के पास अरेंज है ये ओव्यूल्स इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं पेराइटल अरेंजमेंट पेराइटल अरेंजमेंट किस में पा सकता है आपने कुकुम्बर देखा हो होगा तो ये इसकी इनर वॉल के साथ ये ओव्यूल्स अरेंज है तो कुकुम्बर इसका एग्जाम्पल आ जाएगा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल अगर आपको कोई मिले मस्टर्ड है उसके अंदर भी यही अरेंजमेंट होता है देन इसके बाद होता है हमारे पास फ्री सेंट्रल फ्री सेंट्रल में आप देख पा रहे हैं नाम से ही है सेंटर पे फ्री है ही ठीक है वेन द ओव्यूल्स आर बोर्न ऑन सेंट्रल एक्सिस ठीक है एंड सेप्टा आर एबसेंट इन द ओवरी सेप्टा होता है जैसे ऐसे जैसे इसके अंदर है ये सेप्टा है बट इसके अंदर सेप्टा एबसेंट है तो सेंटर के ऊपर ओव्यूल्स है ऐसा आपको दिखेगा प्राइमोज एंड प्राइमोज एंड डाइंथस फ्लार की ओवरी के अंदर लास्ट हमारे पास जो प्लेसेंटेशन बची है दैट इज द बेसल प्लेसेंटेशन बेसल प्लेसेंटेशन जो होती है जो प्लेसेंटा डेवलप एट द बेस नाम से ही है बेस ऑफ द ओवरी के पास प्लेसेंटा डेवलप होगा और इसके पास एक ही ओव्यूल होगा जो प्लेसेंटा के साथ अटैच होगा सनफ्लावर मैरीगोल्ड गोल्ड व्हीट मेज ये सब इसके एग्जाम्पल है ये देखें ये सनफ्लावर का है ये बेसल पे एक ही ओव्यूल है और ये प्लेसेंटा के साथ अटैच है ठीक है ये देखो इसका और डायग्राम सेंटर पे ये ओव्यूल है ओवरी है देन ये अंदर ओव्यूल। तो ये इस तरह का जो अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा दिस इज़ द बेसल प्लेसेंटेशन ओके बेटा ये हमारा यहाँ पर प्लेसेंटेशन कंप्लीट हो गया तो आपके पास टाइम है आप इस यहाँ तक के टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट करें कोई डाउट है तो आप ले सकते हैं इसी वीडियो के नीचे कमेंट्स करके आप अपने डाउट्स भी ले सकते हैं